से दिल में तुम्हारी मोहब्बत का चराग अभी भी जल रहा है। मैं सतूरी को पसंद करता हूँ। तुमने ये बात कैसे की है? कैसे की है तुमने ये बात? बांधियों की बेटियां मिल्कियत होती हैं कोर्ट की। सतूरी, हमारे अरमानों के सारे रंग बिखर गए। जो रेत की दीवार हम खड़ी करना चाहते थे ना, उसकी कोई बुनियाद नहीं। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाकर बता दो अपने रईस को कि मुझे कोर्ट की मलकियत में नहीं आना। अब तो रईस की मलकियत नहीं बोल सकते। Thank you.
रुक जाओ, बैठ जाओ। पहली बांदी हो जिसे इतनी इज्जत दी गई है, ऐसी आलीशान जगह पर रखा गया है जहां इन लोगों की अपनी औरतें रहती थी, वरना हमारे रहने की जगह में और जानवरों के रहने की जगह में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बस बस होश लो यार, क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। समझौता कर लो इन हालात, क्योंकि एक दफा जो यहां आ गया वो बस यहीं का होके रह गया। तुम्हारी तकदीर पक्की स्याही से लिखती गई है। खुश हो?
बस इसी तरह खुश रहा करो हमेशा। एक बात पूछूं? पूछो। तुम मेरे लिए रोटी लाया करोगी? हाँ हाँ, पर क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने सोचा हनीफ के आने के बाद तुम महसूस रहोगी, मुझे तुम्हारे हाथ की रोटी खाने की आदत हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसा ऐसा ये आदत खत्म कर दूंगा। जब तक मैं हूं ना तो मेरे हाथ की रोटी खाते रहना। अरे मेहरबान तू। चाचा बर्तन देने आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने मालूम कर लिया तुम्हल बेटा, वो हनीफ परसों रात दुबई से रवाना होगा, एक रात कराची में ठहरेगा और फिर अगले दिन हम लोगों के साथ होगा। अरे मेहरबान, तेरी बकरियां तो उस तरफ जा रही थी, ज्यादा संभाल उनको। अच्छा चाचा। तुम्हारे बाप की इस तरह की मौत का हमें बहुत अफसोस है। क्योंकि हमारे आदमी उसके कफन दफन में शरीक हो गए थे, लेकिन क्या किया जा सकता है, जाना तो सबको है एक दिन। वो अपनी उम्र गुजार चुका था, हमें यह भी एहसास है कि शायद उसने हमारी वजह से दम तोड़ दिया, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर थे। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जिसने हमारे दिल में जगह बनाई। वो हमारी पहली मुलाकात, वो के थोड़ी मुलाकात थी, लेकिन उन चंद लम्हों में तुम हमारी निगाहों में कैद हो गई और हमने तुम्हें पाने की कोशिश की, तुम्हें इस हवेली में एक बांदी की हैसियत से लाया गया है, लेकिन अब तुम बांदी नहीं, इस कोर्ट की मलका बन जाओगी। हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, Thank you.
ठीक हूं माई। वो तो मैं देख ही रही हूं, तुम मुझसे जितना भी छुपाओ ना बुरा, मुझे पता चल गया। किस बात का? यही के तुम और सदोरी एक दूसरे को पसंद करते। मैं नहीं, रईस पसंद करता है सदोरी को। हकीकत से भागना चाहते हो, अपने अपने अरमानों का गला अपने ही हाथों घोट देना चाहते हो। चंद दिनों में जब उसकी रईस से शादी हो जाएगी, इस हवेली में रहते हुए तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगे? कर सकूं। और वो जो तुमसे मोहब्बत करती है, उसे मुझसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए माई। मैं टुकड़ों पे पलने वाला इंसान। माई तुम जानती हो, हम गुलामों को अपनी पसंद नापसंद का कोई इख्तियार नहीं है जिंदगी में। ये खुशी की बात है ना, सदोरी की शादी रईस से होगी, सारी जिंदगी खुश रहेगी। हाँ, आसाइशों में पलेगी। आसाइशों में पले किया इन ड्रेसों के दीन ईमान का कोई एतबार नहीं है मुराद। आज सदूरी खूबसूरत है, जवान है, तू रईस की कमजोरी बन गई। वक्त के साथ साथ उसका हुस्न मान पड़ जाएगा, उसे पलट के देखेगा भी नहीं। और मेरी बात याद रखना, पड़ी रह जाएगी वो इन अंधेरों में, पड़ी रह जाएगी। ठीक है, तुम ऐसा करो कि रईस और सदोरी के लिए जल्दी खाना लगाओ। आओ आओ चलो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो, रईस ने बुलाया है, तुम्हें पता नहीं है कि हुक्म से इनकार करने वालों की खाल उधेड़ देते हैं। कुछ भी करे मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ। मुराद समझाओ इसे, देखो क्या हालत बना रखी, ना कुछ खाती है ना पीती है, फैस ने बुलाया है इनकार कर रही है। इससे मेरी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की तकलीफ का एहसास उसी को होता है जिससे अपना कोई रिश्ता होता है। इससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगता ये मेरा। जिस हाथ को मैंने अपनी जिंदगी का सहारा समझकर थामा था, ने मुझे कब का झटक दिया। कब का? चलो
बैठ जाओ। बैठ जाओ। देखो मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। मैं जानता हूं तुम अपने बाप की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सके हो, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। एक नई जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? तुमने दो दिन से कुछ नहीं खाया। देखो खाना खा लो, बहुत कमजोर हो गई हो। सावन खान अपने होने वाले दुल्हन को कमजोर नहीं देखना चाहता। मैं आपसे निकाह कभी नहीं करूंगी, सुना आपने? ये क्या कह रही है माई? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है क्या कह रही हो तुम? समझाओ इसे। मुझसे ऐसी बातें करती है, इसे नहीं मालूम कि मैं इसे क्या मकाम देना चाहता हूं। खाना खा लो, आराम कर लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। क्या बोल कर गई है? जाओ समझाओ इसे। रईस ने मुझे मेरे घर से उठवाया। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उस शख्स से तो ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी। उससे मेरा कोई रिश्ता जो नहीं था, लेकिन मुराद, तुमने तो मुझसे मोहब्बत की थी। तुमने तो मुझे सच्चे दिल से चाहा था। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे सामने यहां लाया गया। और तुम कुछ नहीं कर सके? रात तुम पूछते लो, मुझे अफसोस है कि मैंने एक पुस्तल इंसान से मोहब्बत की।
तो वो मुझे बांधी क्यों नहीं बना लेता, बीवी क्यों बनाना चाहता है? पता नहीं क्यों, लेकिन एक बात है, अगर ये पेशकश वो अपनी किसी दूसरी बांदी को करे ना पागल, तो वो तो खुशी के मारे खिल उठेगी, क्योंकि रही अपनी जगह, अरे ये बांदियां तो उसके कारिंदों से शादी करने को तरसती हैं। नहीं अम्मा, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का साथी किसी और को चुना है, वो मेरा नहीं हो सका। मैं किसी और के होने से पहले मौत को अपना लूंगी, जीना चाहती अम्मा। तुम कुछ नहीं कर सके? रात तुम पूछते लो, मुझे अफसोस है कि मैंने एक पुस्तल इंसान से मोहब्बत की। पागल हो गए हो, अपने आप को मारोगे? मेरी मोहब्बत, भाई मेरी मोहब्बत मेरी वफादारी के बीच में आ रही है, इससे पहले कि मेरे इरादे कमजोर हों, मैं रईस के खिलाफ गद्दारी करने पर मजबूर हो जाऊं, मुझे मर दे दो। तुम इतने कमजोर कब से हो गए मुराद? मुझे सदूरी की हालत नहीं देखी जाती। तो उसका ये हाल निकाल रहे तुम, ये हाल है कम से कम इस अजाब से तो निजात मिलेगी माई। उसे कौन निजात दिलाएगा जो सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी बना चुकी है? क्या करूं मैं? खुदकुशी का ख्याल सबसे बड़ी गुलामी है बेटा। तुम्हारी माँ को मरते दम तक ये रंज रहा कि उसने खुद तो अपनी सारी जिंदगी बांदी बन के गंवा दी, बेटा भी आजादी की सांसें नहीं ले रहा। तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या ये जिस तरह तुम मरने चले थे ना मजबूत इरादे के साथ, इस तरह जीने की कोशिश करो। सदूरी को रेस की कैद से निजात दिलाओ मुराद। मई क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हूँ मुराद,
तुम मर्द हो बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं भाई, मैं रईस से गद्दारी नहीं कर सकता। कैसी गद्दारी, कैसी गद्दारी? तुम्हारी मोहब्बत उस जालिम रईस की कैद में है। सतुरी की हाँ, उसकी सिसकी हाँ, तुम्हें सदाएं दे रहे हैं बेटा। बेटा तुम उसको बचा लो, तुम उसे बचा सकते हो। मुराद उसे बचा। मैं जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारी बातें मेरी वफादारी को कमजोर कर रही है। जाओ यहां से। मैं ये कह रहे आया हूं कि मैं बेवफा नहीं, मजबूर हूं। मुझे गलत मत समझना, मेरी मोहब्बत सच्ची है। बस यही बताने आए हो? बता दिया ना, हो गई तुम्हारी बात? ठीक है, जाओ। कर लिया तुम्हारी बात पे एतबार? जाओ यहां से। सधुरी मेरी बात बस, कुछ जरूरत नहीं है कहने की, कुछ मत कहना। और जाओ यहां से, निकल जाओ यहां। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। बहुत एतबार था मुझे मोहब्बत पर, समझती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए प्यार अपना मुकाम नहीं खोता। गलत थी मैं, प्यार अपना मुकाम खो चुका है मुराद। सारे वादे, सारी कसमें झूठ थी जाया ने। एक बात और सुनो, अभी तक मैंने सोचा था कि मैं रईस से शादी नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं रईस सावल खान से शादी करूंगी। सुना तुमने? साजन मेरा दर्द न जान, साजन मेरा दर्द न जाने अला, दर्द न जाने अला।
कैसे